सुनो, जब भी मेरी बहन ससुराल से आती है तो तुम अकेले अकेले क्यों रहती हो? मम्मी और बहन के साथ क्यों नहीं बैठती? क्योंकि आपकी बहन और आपकी मम्मी अक्सर मेरी आहट सुन के खामोश हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि वो कुछ मेरी ही बातें करती हैं। देखो, मैं अपनी मम्मी और बहन को तो कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि हम लड़के इन रिश्तों में बंद से जाते हैं, पर तुम टेंशन मत लो, ना ही मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़ूंगा और ना ही तुम्हारी कभी इज्जत कम होने दूंगा। अगर दुनिया के सारे मर्द आप जैसे हो जाए तो उनकी बीवी किसी भी कोने में रहे वो खुद को कभी अकेला समझेगी नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ, यही प्यार है। बहू, तू कल मायके जाने वाली है ना बेटा? हाँ माँ जी, माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो सोची उन्हें देख आऊं। ठीक है बेटा, तू अच्छे से जाना, और जब तक तेरी माँ स्वस्थ ना हो जाए तब तक आने की जरूरत नहीं है। और ये ले बेटा, तेरे घर वालों के लिए कुछ सामान लाए हैं, ये भी दे देना। लेकिन माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे बेटा, जब तू यहाँ आती है तो तेरी माँ कितना कुछ देती है इस घर के लिए, तो मैं तुझे घर खाली हाथ भेज दूँ। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे। महफिल में चल रही थी बुराई हमारी, हम पहुँचे तो कहने लगे जुग जुग जियो बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। सुनो ना, मुझे 5,000 रुपए दे दो ना, मुझे ना कुछ मेकअप का सामान लेके आना है। अच्छा ठीक है, ये लो आपके 5,000 रुपए। थैंक यू। अच्छा सुनो बेटा, आ गई थी सैलरी? हाँ माँ, आ गई सैलरी। बेटा मुझे भी कुछ पैसा दे दे, घर में राशन खत्म हो गया तो मैं राशन ले आऊँ। ठीक है माँ, ये लो। भैया मेरी कोचिंग की फीस जमा नहीं हुई है, क्या आप मुझे कोचिंग की फीस दे देंगे क्या? हाँ क्यों नहीं छोटी, ये पकड़ अपनी कोचिंग की फीस। तो क्या सुनिए, आपने मुझे अपनी बीमारी के बारे में क्यों नहीं बताया? आज मैंने आपकी रिपोर्ट देखी तब मुझे पता चला। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या करोगे तुम मेरी बीमारी के बारे में जान के? लड़कों से सिर्फ यही पूछा जाता है कि कितना कमाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता। लड़के को कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, उससे घर वालों को क्या ही मतलब, उनको तो सिर्फ टाइम से पैसे चाहिए। लड़के सिर्फ हाथ में पैसा ला के रख दे, यही बहुत है घर वालों के लिए।